युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने पैसा कानून में भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाकर शिवराज सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। विक्रांत भूरिया ने पैसा कानून के तहत होने वाली भर्तियों में बीजेपी और आरएसएस के लोगों की भर्ती करने का सीधा आरोप सरकार पर लगाकर सिस्टम हाईजैक करने की बात कही। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने शिवराज सरकार पर पैसा कानून में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है। विक्रांत भूरिया ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और संघ ने मिलकर पैसा एक्ट के नाम पर सिस्टम को हाईजैक कर लिया है। पैसा कानून को कांग्रेस ने 1996 में बनाया था। इन्होंने अपनी नीतियों से पैसा कानून में सिर्फ भ्रष्टाचार किया है। इन्होंने सेक मैप एजेंसी के माध्यम से पहले एग्जाम करवाया जिसमें ब्लॉक कोऑर्डिनेटर की सैलरी 25,000 थी और जिला कोऑर्डिनेटर की सैलरी 45,000 थी। इन्होंने इंटरव्यू कॉल के बाद पूरे एग्जाम को स्थगित कर दिया। इसके बाद इन्होंने एक आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से एग्जाम करवाया और ऐसे लोगों का सिलेक्शन किया जिनका पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। उन लोगों के पास ना तो कोई क्वालिफिकेशन है और ना ही कोई डिग्री है। उनके पास सिर्फ बीजेपी और आरएसएस का समर्थन है। इन सिलेक्टेड लोगों में एक भी महिला नहीं है। भाजपा सिर्फ महिलाओं का सम्मान करने का नाटक करती है। लाडली बहना लाडली लक्ष्मी योजना के नाम पर देश में ये झूठ फैला रहे हैं। पूरे देश को ये फर्जीवाड़े से बेचने का काम कर रहे हैं। ये किसी के सगे नहीं हो सकते। देखिए, पैसा एक्ट एक बहुत संवेदनशील मामला है। आदिवासियों के दिल से जुड़ा, उनके हितों से जुड़ा हुआ है। और पैसा कानून बनाने वाले हम लोग, जो 1996 में पैसा कानून बन चुका था और पैसा को बिगाड़ने वाले इनके जो नियम इन्होंने बनाए हैं, जो सरकार ने बनाए हैं, वो बीजेपी ने बनाए और शिवराज सिंह चौहान ने जो नियम बनाए और उसमें भी 20 साल लगा दिए। उसके बाद जो इन्होंने भर्तियां करी पैसा कानून की जागरूकता फैलाने के लिए, उसमें जबरदस्त भ्रष्टाचार हुआ है। पहले एक सेडमैप एजेंसी के माध्यम से इन्होंने एग्जाम करवाया जिसमें ब्लॉक कोऑर्डिनेटर की सैलरी 25,000 थी और जो जिला कोऑर्डिनेटर था उसकी सैलरी 45,000 थी और ऐसी 14 वैकेंसी थी जिसमें और एग्जाम होना थे। तो उसके बाद भी इन्होंने वो पूरी की पूरी जो एग्जाम थी, जब उनको इंटरव्यू कॉल आ गए उसके बाद पूरी स्थगित कर दी। ना कोई कारण बता पाए, ना उसका कोई नियम बता पाए। उसके बाद एमपी कौन एक आउटसोर्सिंग एजेंसी है, उसके माध्यम से आउटसोर्स कर ऐसे लोगों को चयनित कर लिया, 119 लोगों को, जिनका पढ़ाई से कुछ ना लेना देना है, ना जिनका कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। एक ही क्वालिफिकेशन है, या तो आरएसएस के लोग हैं या बीजेपी के लोग हैं या किसी संगठन से जुड़े हों जो बीजेपी से संबंधित है। हमारा ये कहना है कि आपने युवाओं का रोजगार क्यों मारा। हम चाहते हैं कि जो सेड मैप ने एग्जाम करा था, जो नियम बनाए थे और जिससे मेरिट लिस्ट तैयार हुई थी, उसी के हिसाब से होना चाहिए। और सबसे बड़ी विडंबना इसमें यह भी है कि 119 लोग जो चयन हुए उसमें एक भी महिलाओं को जगह नहीं मिली है। तो क्या ये महिलाओं को इस लायक नहीं समझते थे कि उनको जगह दे सके? तो ये महिला सम्मान लाडली बहना योजना, ये सब क्या फर्जीवाड़ा है? जिस तरह से फर्जी पैसा कानून की फर्जी नियुक्तियां हुई, पूरे देश को ये फर्जीवाड़े में बेचने का काम कर रहे हैं और ये किसी के सगे नहीं हो सकते। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।